रॉन्ग नंबर नहीं है, हमारे पास सब प्रूफ है, हम पुलिस स्टेशन के पास खड़े हैं। जो हस्बैंड है वो बहुत गलत काम कर रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा है और बात कर रहे हैं उनसे दिन दिन भर तक। तू तेरी लिए गंदे संबंध जोड़ रहा है किसी और के आदमी से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। यहाँ पर अभी मैं निकला हूँ काम से बाहर, मुझे जाना है बैंड्रा एक मीटिंग में, बहुत लेट हो चुका है। आई होप जल्दी पहुँच पाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कैब कर लूँ या ट्रेन, तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। सो गाइज, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसके लिए मैं नवी मुंबई जा नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना आज जहाँ मैं जा रहा हूँ मीटिंग करने, वो चीज़ आपको बताया जाए बैंड्रा में क्या क्या है। मतलब लाइक आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे बताना है कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ, क्या क्या मैं पूरे दिन में कर रहा हूँ, वो आप लोगों की तरफ पहुँचाना है, मतलब आप लोगों को बताना है। सो इसलिए लेट्स गो, और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, हाँ भाई मैं कैमरे के सामने खुल के बात कर रहा हूँ। सो और गाइस, धीरे धीरे करके मैं इंशाल्लाह अपने आप पे भी ध्यान दूंगा। बहुत सी चीज़ों से लाइक अकेले गुजर रहा हूँ और गुजरा हूँ, तो वो चीज़ को साइड में रख के अभी अपने आप पर खुद पे ध्यान देना, अपने आप से प्यार करना है। सो गाइस, आप लोग भी अपने आप से प्यार करो और अपने आप को पहला प्रायोरिटी दो। और क्या बताऊँ मैं, देखते हैं अभी क्या ही कर सकते हैं आगे। लाइक अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करना है, इंशाल्लाह खुद का घर लेना है। अभी मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और बैंड्रा उतरने वाला हूँ, मतलब अभी आया नहीं है, अभी उतरने वाला हूँ, मतलब जैसे आएगा तो फिर वहाँ से देखते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, बहुत लेट हो गया मेरी मीटिंग, क्या पता स्टार्ट हो गई रहेगी या नहीं स्टार्ट हो गई रहेगी, कुछ आइडिया नहीं है, जाकर देखते हैं। गाइस बहुत धूप है यार, अभी मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, ऑटो में बैठ गया हूँ। सो मीटिंग में जाकर फिर बाहर निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सो गाइज, मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई, अभी मैं घर पहुंच गया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज़ ऑफिस टाइमिंग था, तो ट्रेन में क्राउड बहुत था। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से सुफियान भाई के यहाँ पर, क्योंकि सुफियान भाई को कॉल आया था, सुफियान भाई बोले कि तो कुछ काम था मेरे से, तो अभी मैं उनके घर पर जा रहा हूँ, फिर वहाँ जाके मिलते हैं, ट्रेन आ चुकी है। सो फाइनली सुफियान भाई के यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, अभी ऊपर जा रहा हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं सुफियान भाई को क्या काम है। फिर मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रैंक करा जाए सुफियान भाई या निदा पे। तो गाइज, जब मैं यहाँ पर आ रहा था सुफियान भाई के यहाँ पर, तो मुझे एक बहुत क्यूट और छोटी सी एक मतलब सब्सक्राइबर मिली, जो अबरेश को और मुझे बहुत पसंद करती है, तो उनका नाम अनाबिया था। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारा सामान था, लाइक मतलब मेरा बैग था आगे और प्लस वैन में बहुत सारी गर्दी थी, तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मुलाकात होगी अनाबिया, तब आपको मैं व्लॉग में लूँगा मेरे इंशाल्लाह। वैसे मैं कोई हो नहीं ये सब बोलने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे शर्म आती है। सो गाइज, अभी जाते हैं सुफियान भाई के यहाँ पर जल्दी से। सो गाइज, मैं आ गया हूँ सुफियान भाई के फायर एग्जिट पे, बहुत गर्मी है और सुफियान भाई को मैंने अभी तक का फ़ोन करके बताया नहीं हूँ कि मैं आ गया हूँ। सो गाइज, मेरे पास एक डुप्लीकेट सिम कार्ड है ये, तो गाइज मैं सोच रहा हूँ सिम कार्ड मेरे फ़ोन में डाल के और सुफियान और निदा पे प्रैंक कॉल करा जाए। और गाइज, ये दूसरा फ़ोन जो है वो मेरा भाई जैसा है, मेरा फ्रेंड है, यहाँ पर ये बिल्डिंग में रहता है। तो गाइज, मैं अभी सिम कार्ड चेंज करता हूँ, सिम कार्ड चेंज करने के बाद मैं सुफियान को कॉल करता हूँ। सो गाइज, ये पिन भी मेरे पास थी। सो गाइज, हो गया है सिम कार्ड रेडी है, चलो देखते हैं जी कॉल करके, अगर लग गया तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हेलो, हेलो, कौन? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपका शुभचिंतक? कौन शुभचिंतक? हाँ, मुझे आपके सुफियान खान के बारे में कुछ बताना है। आप कौन बोल रहे हो भैया? हम बोल रहे हैं, बट आपके जो हस्बैंड है वो बहुत गलत काम कर रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उनसे दिन दिन भर तलक का। रॉन्ग नंबर नहीं है, हमारे पास सब प्रूफ है, हम पुलिस स्टेशन के पास खड़े हैं, हम पुलिस स्टेशन में जस्ट कंप्लेंट करने जा रहे हैं। हमारी बीवी रहती है इंडिया में और हम आए हैं यहाँ पर दुबई काम करने के लिए। हेलो, कौन बोल रहे?
कौन बोल रहा है? इतना शरीफ बन रहे हो, कौन बोल रहा है? पहचाने नहीं तुम हमको? कैसे पहचानूंगा भाई, तू अननोन नंबर से कॉल कर रहा है, मैं कैसे पहचानूंगा? भाई अभी बस का रहा, सारी पोल खोलने जा रहा हूँ। कौन सी पोल? मेरी मेरी बीवी, उनको प्यार से सब कुछ बोलता हूँ, तुम लगातार उनसे दिन भर बात करते रहते हो। क्या नाम है उसका? नाम से क्या लेना देना है, जुर्म कबूल करो अपना। अरे जब मुझे पता ही नहीं है नाम क्या है क्या नहीं है, तू मेरी वाइफ को पता नहीं, तू मेरी वाइफ को फोन करके बोल रहा है कि मैं मेरा नंबर कहाँ से मिला? मिला बस नंबर मिला हमको, मेरी गर्लफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ, हमारी बीवी के फोन में तुम्हारा नंबर था जानू सेफ। कुछ भी हो लेकिन यही नंबर से फोन करे थे हमने, मेरे को मालूम है आपका फोन, तुम्हारा हस्बैंड लेकर फोन करता है हमारी बीवी को। तेरा दिमाग खराब है, कौन बोल रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है क्या? मजाक मस्ती क्यों करेंगे भाई, हम शरीफ आदमी को ऐसा करोगे, तुम ऐसा बोलोगे? क्या नाम है तेरी गर्लफ्रेंड का? नाम से क्या लेना देना है भाई? चोर चोर की दाढ़ी में तिनका, देखिए अब कितनी लड़कियों से बात करते हो बताइए। तू है कौन, तेरा नाम बता पहले। भाभी जी आपसे कह रहे हैं, इनका फोन चेक करिए। आपका नाम बताओ ना पहले भाई। हमारा नाम श्रीवास्तव है। हम गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? गर्लफ्रेंड का नाम, मेरी गर्लफ्रेंड कम बीवी का नाम है बबली। बबली? हाँ प्यार से बबली बबली बोलते हो तुम, तुमको याद नहीं है? अबे जब तू इतना प्यार से उसको ये बोलता है तो फिर वो क्यों किसी आदमी से बात कर रही है? अब हम है नहीं ना वहाँ पर, अब है नहीं ना वहाँ पर। मैं नहीं करता हूँ ये बोल रहा है, तो मेरे को ये बोल रहा है कि मैं प्यार करता हूँ उससे, प्यार से उसको मैं ये बोलता हूँ, तो उसकी उसकी जो बीवी जो कम गर्लफ्रेंड है वो क्यों उसको से बात कर रही है? भैया पहले तो तुम्हारी बीवी को जाके संभालो यहाँ पे फोन करने से पहले, समझे ना आप? हम उनसे बात करे हैं, हम उनसे बात करे हैं, उन्होंने ही बोला है कि ये लड़का है हमें परेशान करता है दिन दिन बढ़ते लगकर। मेरे पास पूरा प्रूफ है, चैट है और कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। तो आपकी बीवी को एक काम करो, बोलो कि वो सब लेके आवे मुझसे मिले। हम खड़ा हूँ दुबई के पुलिस स्टेशन के पास ही, हम जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए। क्यों तुमको हमारी गंदी नजर मत डालिए हमारी बीवी पर भाई, फोटो वोटो भेज के सब क्या बोल रहा है? अबे तू तेरी बीवी गंदे संबंध जोड़ रहा है किसी और के आदमी से और मेरे को बोल रहा है गंदी नजर मत डालिए। झूठ नहीं बोलो हमको, हमको सब पता है, गोल्ड की रिंग दिए हो, सोने की चेन दिए हो, जूता दिए हो, कार है ना तुम्हारे पास ब्लैक कलर की, वो बड़ी सी क्या नाम है उनका, हाथी ने हैरियर, हैरियर। हम सब देखा हूँ, हम सब देखा हूँ, हम सब देखा हूँ भाई, आप हमारी बीवी के लिए ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, वो एक पे एक फ्री उस दिन लेकर गए थे तुम हमारी बीवी के लिए, हमको सब पता है, एक तुम्हारी बीवी को दिए हो और एक हमारी बीवी को दिए हो, एक पे एक फ्री गिफ्ट दिए है आपके शौहर ने। देखो देखो भाभी जी, बीवी को दूसरी लड़की को देखने के लिए बोल रहा है, देखो 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 देखो, दूसरी लड़की को मेरे साथ छोड़ रहा है और मैं दूसरी लड़की देखूं भी नहीं। अरे मुंह से बात करो भाई, फोटो वोटो क्या भेजना है, स्ट्रीक व्रिक खेल रहे हो क्या भाई? अरे तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि किसकी बात कर रहा है तू? तेरी फोटो तो भेज, वो तो मेरे को मालूम पड़ेगा तू कौन है। तेरी फोटो ऐसा, अब इतना जलाल हो गया तुमको, ऐसा बात करोगे साला, दुबई से आना ही पड़ेगा अब मेरे को, ऐसा लग रहा है फ्लाइट पकड़ के। बस 5 मिनट की गिनती रोक, अभी हम तुमको एक लड़का बेचते हैं तुम्हारे घर पे, हमको मालूम है तुम कहाँ रहते हो। हाँ ऐसी बात है, रुको अभी तुम्हारे बस 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 10 गिनो 10। हम डरते नहीं है भाई, हम परेशान नहीं करने का, हम डरते नहीं है। पहले अपनी बीवी को संभाल, दूसरों से बात क्यों कर रही हो? जब बात कर रही है तो तू काहे को बीच में पड़ रहा हो परेशान? उसका नंबर कैसे आया मेरे पास? अरे जब तुम कॉल कर रहे हो दिन दिन भर तलक का उसको, पूछे नहीं भाई तुम कि फोन नंबर कैसे पहुंचा? हम कैसे पूछेंगे, अभी इतना बड़ा आदमी बोले कि हाँ सुफियान खान इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी, हम गूगल कर रहे तुम्हारा नाम, हम साला देखे तुम परेशान करके रखे हो, तुम यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहे हो कि 10 तक गिन रहा, 20 तक गिन रहा, इसको भेज रहा, उसको भेज रहा, भेजो किसको, भेज दो
अच्छा एक मिनट, सिर्फ 10 गिनो, 10 सिर्फ 10 गिनो 10। घंटी बजी घर की, घंटी बजी घर की, खोलो फोन। अरे माँ कसम अरसलान, हाँ यार हद कर दिए भाई तुमने यार। परेशान कर रहा है ठीक है। क्या आदमी है तुम्हारा हस्बैंड, हमारी बीवी से बात करता है साला। नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। वो शादी हो गया का तुमने? अरे मेरे भाई का है। अरे माँ कसम कितना कमीना आदमी, देखो ना बिल्डिंग में आके अपने साथ ही प्लान कर रहा है। नहीं आता था नंबर, तुम्हारे आगे फ्यूचर में जो वाइफ बने उसको बबली बोल रहा था। गाइस और मेरा भाई ऐसा है नहीं, वो किसी वो किसी लड़की से बात नहीं करता है। मैं तो फ्लिप नहीं रहा था, मतलब पता नहीं कौन है, तो खेलता हूँ साथ में, तो मैं खेल रहा था। सो गाइस मिलते हैं, अभी भाई जा रहे हैं किधर कुछ काम से, और मैं जा रहा हूँ फोकट लोग से मिलने के लिए।